भाजपा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अरे भारतीयों पर हमले करना बंद करो बंद करो बंद करो। एक गद्दार बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। गद्दार बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बेंगलुरु के मासूम नौजवानों को रिहा करो रिहा करो रिहा करो। नौजवानों को रिहा करो रिहा करो रिहा करो। गंदी सियासत करना बंद करो बंद करो बंद करो। अरे गंदी सियासत करना बंद करो बंद करो बंद करो। अरे बीजेपी की गंदी सियासत मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की कल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और मोहम्मद शरीफ साहब और कुछ मेंबर्स को ले जा करके एनआईए इन्वेस्टिगेशन के नाम पर हराश कर रही है। माजी में नवीन ने ये पूरे षड्यंत्र के पीछे बीजेपी बहुत बड़ा रोल निभाई है। उसमें कांग्रेस के आरएसएस संघ से उठे हुए लीडर्स को इस्तेमाल करते हुए, कांग्रेस के जेडीएस के संघ से उठे हुए लीडर्स का इस्तेमाल करते हुए उसने प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत चीज़ों को उसने मीडिया के अंदर शाये किया था, जिसकी वजह से वो फसाद भड़का और वो फसाद की वजह से आज सीसीबी ने इन्वेस्टिगेट किया। सीसीबी ने ये माना कि हाँ इसके पीछे बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी हुई है, जो इनोसेंट्स जेल में आ गए हैं ये माना, लेकिन फिर बाद में एनआईए ये इंटरवेन करके ये किसी के प्रेशर पर, अगर पॉलिटिकल पावर का प्रेशर इस्तेमाल किया जा रहा है तो मैं ये बताऊं, भारत की किसी भी इंडिविजुअल एजेंसीज का मिसयूज करना भी गैर कानूनी है। ये भारत के संविधान के अंदर ये भारतीयों के अगेंस्ट अगर उसका मिसयूज किया जा रहा है ये भी गैर संविधानिक है। हम एनआईए से रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं कि आप लोग जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, किसी के प्रेशर में जा रहे हैं, ये भारत के लिए अच्छा नहीं है, ये भारत की जनता के लिए अच्छा नहीं है, भारत की किसी भी लेवल में बेहतरी के लिए आप लोग काम नहीं कर रहे हैं। आपकी रिस्पांसिबिलिटी है भारत के लिए, भारत की जनता के लिए। आपने वो रास्ता भटका है, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं, किसी के प्रेशर में कितने साल तक का प्रेशर में आएंगे आप लोग? ये आज है ये सरकार, कल गिरेगी, हम खुले अल्फाज में बोल रहे हैं कल गिरेगी। जब गिरेगी तब क्या करेंगे? सभी के तलवे चढ़ते रहेंगे? आपको इंडिपेंडेंट एजेंसीज बना करके भारत ने, भारत की जनता ने आपको एजेंसीज बनाई है। ये इलेक्ट करके रिप्रेजेंटेटिव्स थोड़े दिन 5 साल के लिए रहते हैं, जनता 5 साल के लिए नहीं रहती, ये ज़मीन धरती ख़त्म होने तक के रहती है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एनआईए से कि आप लोग कोई भी ऐसा इकदाम ना करें। हम लोग फेयर एंड क्लियर आपको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का हर लीडर आपको 100% सपोर्ट कर रहा है। आप अगर वो डायरेक्शन छोड़ करके किसी के प्रेशर में काम कर रहे हैं तो ये बात आप भी जान लें कि ये अच्छा नहीं कर रहे हैं, ये भारत के हित में नहीं कर रहे हैं। किसी लल्लू टप्पू के हित में अगर कर रहे हैं तो वो देश के लिए अच्छा नहीं है, हमारा मुतालबा है। और ये भारत की सरकार को भी हम इस मंच से मैं आग्रह करना चाहता हूँ, आप किसानों के बारे में क्या कर रहे हैं, आम नागरिकों के बारे में क्या कर रहे हैं, बेटियों के बारे में क्या कर रहे हैं, और लव जिहाद के नाम पर आप एक कानून बना करके लेके आ करके यूपी के अंदर आप वावेला मचा करके रखा हुआ है, मासूम इनोसेंट्स को ले जा करके अरेस्ट करके जेलों में डाल रहे हैं, कई बेटियों को गैर जरूरी के ज़बरदस्ती के टार्चर करके उनको किसी जगह रख करके उनके हमल को, उनकी प्रेगनेंसी को गिरा रहे हैं आप लोग। ये किस तरह का आप लोग देश को चला रहे हैं? क्या यही दिन अच्छे थे आपके जो आपने लोगों के सामने पेश किया था? क्या आप जनता के बारे में बोल रहे थे और किसानों के बारे में बोल रहे थे, यूथ के बारे में बोल रहे थे, बेटियों के बारे में बोल रहे थे, रोजगार के बारे में? ये सब आपने दे दिया कि भारत को आप नीचे दर्जे पर ला करके खड़ा कर दिया। मैं आग्रह करता हूँ अगर इस तरह की हरकत अगर आप कर रहे हैं तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया कल भी ना झुकी थी ना आज भी झुकेगी, कल भी नहीं झुकेगी। हम चैलेंज के साथ आपके साथ कदम ब कदम आपके आगे बढ़ेंगे। और आपको इस बात से यहाँ से आह्वान देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग अपने पोजीशंस को, पोस्ट को समझ करके अगर भारत को चलाएंगे तो वो भारत के लिए हित में भी अच्छा होगा, भारत की जनता के हित में भी अच्छा होगा, यहाँ की जमहूरियत डेमोक्रेसी के हित में भी अच्छा होगा, कानून के हित में भी अच्छा होगा। अगर नहीं करेंगे तो ये जनता आपको माफ़ नहीं करेगी। ये आपने नारा दिया था, आपको मैं बताता हूँ ये जनता बिल्कुल आपको माफ़ नहीं करेगी। आने वाले दिन आपके सख्त गुजरेंगे और इस देश से शायद आपको निकलना भी पड़ेगा। मैं
एन आई ए से गुजारिश करता हूं कि एन आई ए इस बात को समझे, सीरियसनेस को समझे। हमने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने इस डिप्रॉयड और डिप्रेस्ड कम्युनिटीज़ को ले करके उनको मेन स्ट्रीम चैनल में ला करके इस भारत के संविधान की डायरेक्शन में ला करके इस डेमोक्रेसी के अंदर उनको सर्वाइव कैसे किया जाता है वो सिखाते हुए हम एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स का एक नारा लेकर के भूख से आज़ादी, खौफ से आज़ादी का लोगों को हमने हिम्मत दे करके आगे बढ़ना शुरू किया है। आप जनता के हित में नहीं कर रहे, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया किसी के हाथ में झुकेगी नहीं। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग उनको रिहा करें, और भारतीय सरकार और कर्नाटक सरकार अगर इसका मिसयूज़ कर रही है तो वो मिसयूज़ इनको एक ना एक दिन भारी पड़ेगा, क्योंकि 5 साल की आपकी मियाद होती है, 5 साल से ज़्यादा आपकी मियाद नहीं होती है। ये जनता पूरी तरह से आँख, अकल और सारी चीज़ें खोल करके देख रही है। आप किसान आपके सामने खड़ा हुआ है, आप उसका बराबर का सलूशन नहीं ढूंढ सक रहे। ये किसान भी जान रहा है, दलित भी जान रहा है, आदिवासी भी जान रहा है, मुसलमान भी जान रहा है, सिख भी जान रहा है, ईसाई भी जान रहा है, ये सारा देश का नौजवान पीढ़ी भी जान रहा है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप इसको NIA का मिसयूज़ करना या किसी भी गवर्नमेंट की इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ का मिसयूज़ करना बंद कर दें। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया कर्नाटका आज पूरे कर्नाटका में प्रोटेस्ट कर रही है। इसी हिसाब से जो ना हम आज गुलबर्गा के अंदर SDPI की जानिब से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज के प्रोटेस्ट का असल मकसद हम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि गुस्ताखाने रसूल के ताल्लुक से DG हल्ली में एक वायलेंस हुआ था, उस वायलेंस को लेकर के NIA और CCB ने बहुत सारा इंक्वायरी किया। तकरीबन उसके अंदर जो है ना तकरीबन मुसलमानों को भी अरेस्ट किया था, वहाँ के जो नौजवान हैं उन लोगों को अरेस्ट किया था। फिर उसके बाद CCB की एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आई, उसके अंदर पता चला कि वहाँ पर मुस्लिम नौजवानों का कम और कांग्रेस और JDS के लीडर्स का ज़्यादा हाथ है। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना CIB ने CCB ने पूरा इसको क्लियर किया था। फिर उसके बाद BJP गवर्नमेंट ने सेंट्रल से जो है ना NIA की इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा, जो कि एक जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं कि BJP हर एक एजेंसी इसको गलत इस्तेमाल कर रही है, ED होने दो या NIA होने दो। तो उसी हिसाब से NIA को SDPI के तकरीबन लीडर्स के घरों तक ऑफिसों में छापा मारा गया और वहां से भी उन्हें कुछ भी नहीं मिला। फिर उसके बाद NIA BJP के एक प्रेशर में आकर के, सेंट्रल गवर्नमेंट के में के प्रेशर में आकर के बेंगलुरु के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है SDPI को, उस SDPI के, तो उन्हें अरेस्ट किया गया है। तो उसके खिलाफ आज ये प्रोटेस्ट है। हमारा डिमांड है कि जितने लोगों के ऊपर भी UAPA जैसे गलत चार्जेस लगाए हैं उसको हटाया जाए और NIA का गलत इस्तेमाल करना बंद करे। और हम देखते हैं जो इस फसाद के जो असल मुजरिमिन थे, जो पोस्ट किया था गुस्ताखाने रसूल, जो पोस्ट किया था जिसका नाम नवीन है, उसके ऊपर सिर्फ एक मामूली केस डाल करके उसको जो है ना रिहा कर दिया गया है, जमानत के ऊपर उसे छोड़ दिया गया है। और वहां पर BJP सरकार जो सत्ता में आ गई है, जो किसानों के आंदोलन को भटकाने के लिए कभी पॉपुलर फ्रंट को या फिर कभी SDPI को निशाना बना रही है, ताकि लोगों का दिमाग, लोगों का जो कॉन्सेंट्रेशन है वहां से हट जाए। तो हम इसकी खड़ी सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हैं और इसका बायकॉट करते हैं।